हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कपल लाइफ विथ थ्री डॉग्स एंड अ बेबी में। आज हम न्यू मॉम्स या फर्स्ट टाइम मॉम्स की सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़े डर के बारे में बात करेंगे, और वो डर होता है कि हम कैसे अपनी न्यूबॉर्न बेबी को बिना हार्म पहुँचाएँ, कैरी करें, कैसे उसे बेड से लिफ्ट अप करें, कैसे उसे लेके खड़े हो। जब हम उसे लेके खड़े हो रहे हैं तो हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, हमारे हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से बेबी को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बेबी को गलत तरीके से उठा लेते हैं, लाइक कभी हम उसके कंधे को या हाथ को पकड़ कर उठा देते हैं, तो बच्चों की हंसली भर जाती है। हंसली भर जाने का मतलब होता है इस पोर्शन में बच्चों को बहुत सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि छोटे बेबीज़ को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को कैसे उठाया जाए। और ये वीडियो सिर्फ न्यूबॉर्न या फर्स्ट टाइम मॉम्स के लिए नहीं है, ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनके घर नया बच्चा आया है, न्यू पापा, न्यू बुआ, न्यू चाचू। हर किसी को ये पता होना चाहिए कि छोटे बेबी को किस तरह से लिफ्ट अप किया जाए, किसे उसे कैरी किया जाए, ताकि उसे होने वाली बहुत सारी तकलीफ़ों से बचा जा सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बेबी को उठाने के, उसे लिफ्ट अप करने के, उसे खड़े होकर हम जब हम गोदी में लेते हैं तो हमारे हाथों की पोजीशन क्या होती है, इस सब के बारे में बताऊँ। अगर बेबी कॉट में या बेड पे लेटा है तो उसे उठाने का सबसे सही तरीका है, पहले आप बेबी के हैंड को इसे लिफ्ट करिए और यहाँ पर हाथ डालने के लिए जगह बनाइए, और ये दूसरा हाथ उसके पैरों के नीचे से होते हुए उसकी कमर तक लेके जाइए और इस तरह बेबी को लिफ्ट करिए। ऐसे में क्या है, हमारे दोनों हाथ उसके उन पोर्शंस पे है जहाँ सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद आप बेबी को लेके खड़े हो सकते हैं। हमने बेबी को बेड से उठा लिया है और हम चाहते हैं उसे देखे खड़े रहना या उसे लेके चलना, तो बेबी का हेड हमारे हाथ के इस पोर्शन पे आना चाहिए ताकि उसके हमारे हाथ से उसके नेक को सपोर्ट करें, और इस हाथ को इस तरह से इस तरफ लाएं ताकि उसकी कमर को सपोर्ट मिले, और दूसरा इस तरह से रखें। आप इस तरह से या इस तरह से क्रॉस करके भी रख सकते हैं। इस तरह से रखने में क्या होगा, बेबी पूरी तरह से सिक्योर है हमारी गोदी में। अगर हम चल भी रहे हैं तब भी हमें ये डर नहीं है कि बेबी गिर सकता है या कुछ और हो सकता है, और बेबी भी पूरी तरह कंफर्टेबल रहता है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि बेबी को कंधे पर लें तो ये ध्यान रखें कि हमारा एक हाथ हमेशा बेबी की नेक पे और दूसरा हाथ उसकी कमर पे होना चाहिए, क्योंकि उसकी नेक और कमर को ही सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरा बेबी 3 मंथ का हो चुका है और उसके हेड का बैलेंस, नेक का बैलेंस आ चुका है, इसलिए मुझे उसके हेड या नेक को सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज और 2 महीने से छोटे बच्चों को नेक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप बच्चे को कैरी कर रहे हैं, आपका बेबी 3 मंथ से छोटा है, उसका नेक सपोर्ट अभी नहीं आया है, तो बेहतर है कि आप एक हाथ से उसके नेक को सपोर्ट करें और दूसरे हाथ से उसकी कमर को सपोर्ट करें। आप इस तरह भी ले सकते हैं बच्चे को, और आपका पोस्चर थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।